ओप्पो लवर्स को मुबारक हो। ओप्पो K10X फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 29 जुलाई को भाई साहब पधारेंगे एंड इसके बाद सेल शुरू होगी। वेल, आज की वीडियो में जो इस फोन के कुछ स्पेक से लीक हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैं फिलहाल रिव्यू करने नहीं आया क्योंकि ये फोन अभी मार्केट में नहीं आया है, इसलिए हम खरीद नहीं सकते। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट्स करोगे तो रिव्यू बाद में कर देंगे। वैसे अगर एक फोन परचेज करने की सोच रहे हो तो क्या इस फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए? देखो, ओप्पो K12X का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है इसका डिजाइन। ओप्पो K12 के नाम से ये चाइना में भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। फिलहाल देखो, जो इंडियन वेरिएंट है इसका वेट रहेगा 186 ग्राम्स एंड थिकनेस अराउंड 7.68 मिलीमीटर्स, सो थोड़ा सा पतला फील होगा। बॉक्सी डिजाइन है, प्लास्टिक बैग यूज किया है, दो कलर्स में ही आएगा, जिसको जो पसंद हो उठा लेना। एंड जैसे कि मैंने कहा, इस फोन का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है इसका डिजाइन, क्योंकि ये 360 डिग्री डैमेज प्रूफ बॉडी के साथ आ रहा है। जी हाँ, कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही है कि इस फोन को आप गिरा दो, उठा के पटक दो, फोन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरमैन का छोटा भाई है और इसी के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा मार्केटिंग करने वाले हैं। सो डैमेज प्रूफ बॉडी बनाई है, बाकी कितना डैमेज प्रूफ इसको बनाया गया है ये तो मैं रिव्यू में ही बता पाऊंगा। और हाँ, ये IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो थोड़े बहुत छींटों से फोन को दिक्कत नहीं होगी, पर हाँ, पानी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी देखो, कुछ ही टाइम पहले ओप्पो K12 चाइना में लॉन्च हुआ और यहाँ दिन दहाड़े भाई OnePlus Nord CE4 का डिजाइन चोरी किया गया है। पीछे से भाई अगर फोन का नाम ना पढ़ो ना, बिल्कुल OnePlus Nord CE4 की तरह लग रहा है, हालांकि फीचर्स सेम नहीं होने वाले। अब देखो, ओप्पो K12 जो कि चाइना में फिलहाल लॉन्च किया गया है, उसके ये कुछ फीचर्स हैं। 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 100W की फास्ट चार्जिंग के साथ, हालांकि ये तो यहाँ पर नहीं मिलने वाली डेफिनेटली। मे बी हमें ओप्पो K12X में 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है, और अगर ये फोन 15000 के करीब आ जाता है तब इसमें आई थिंक 33W की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। पर अगर ये लोग प्राइस 18 या 20 तक ले जाते हैं तब यहाँ पर 45W या फिर 67W की चार्जिंग भी मिल सकती है। एंड देखो, ओप्पो K12 को भी इन लोगों ने चाइना में डैमेज प्रूफ करके काफी ज्यादा बेचा है। इस फोन के ऊपर भी ड्यूरेबिलिटी पर काम किया गया है। एंड चाइना में चिपसेट यूज की थी Snapdragon 7, हालांकि देखो ये चिपसेट फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो पॉसिबिलिटीज है कि ये फोन Snapdragon 695 या फिर Dimensity 7050, इन दोनों चिपसेट में से किसी एक के साथ आ सकता है। लेकिन अभी एक और चिपसेट काफी पॉपुलर हो रही है, Dimensity 6300, तो बाई चांस ये भी आ सकती है। पंच होल डिस्प्ले है, 120Hz की रिफ्रेश रेट हो सकती है, AMOLED डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी तो हम रिव्यू में देखेंगे। एंड कैमरास, दो कैमरे यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो, Nord C4 में तो एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि 50MP का वाइड लेंस दिया जाएगा, साथ में एक मैक्रो या डेप्थ लेंस चिपका देंगे। पर अच्छी चीज ये है कि रिंग लाइट इन्होंने दी है। वैसे इस फोन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये जरूर बताना कमेंट में, और हाँ, कमेंट में एक क्वेश्चन भी ड्रॉप किया है मैंने, उसका जवाब देकर जाना। अभी देखो, ओप्पो K12 जो कि इन्होंने चाइना में लॉन्च किया था, इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं इंडियन प्राइस से कन्वर्ट करके, सो ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 हो रही है। पर मुझे उम्मीद है कि इंडिया में ये फोन अंडर 20,000 हो सकता है। वैसे ओप्पो ने अपने पिछले जो कुछ फोन्स लॉन्च किए हैं, स्पेशली ऑफलाइन मार्केट में काफी महंगे फोन्स लॉन्च किए हैं, फीचर्स कम प्राइस ज्यादा। अगर उसकी तरफ मैं देखूं तो भाई ये फोन 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, और ऐसे में ये मुंह की खाएगा, क्योंकि इससे पहले कई बार ओप्पो के साथ ये हो चुका है। और अभी स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन हाई लेवल पर है, 15-15 हज़ार में शानदार फोन्स आ रहे हैं। लगभग सभी फोन्स का मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया है, कंपैरिजन किया है, जिन वीडियोस को आपने काफी पसंद भी किया। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे इसका रिव्यू एंड कंपैरिजन करने की, और क्या ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और चाहिए, इसका जवाब भी मुझे जरूर देना, ताकि हम ऐसी और वीडियोस बनाएं। फोन लॉन्च होने से पहले आपको बताएं कि कौन सा फोन लॉन्च हो रहा है, क्या स्पेक्स हो सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो और चैनल से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें मिले मेरी तरफ से शाबाशी।